उसमें से फूटने का डर नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपना वाटर प्यूरिफायर सर्विसिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो ये वाटर प्यूरिफायर है केंट का है, केंट मैक्स का है, तो इसकी ही सर्विसिंग होनी है, तो उसका ही वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है मेरा वाटर प्यूरिफायर, और इसमें कुछ प्रॉब्लम अभी हो रही थी इसकी वजह से आज मैं इसकी सर्विसिंग करवा रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। ये है मेरा वाटर प्यूरिफायर, और एक आप अलग से एक कैंडल देख रहे हैं, और इसके अंदर भी तीन कैंडल हैं। ये जो कैंडल है, यहाँ से जो पानी जाता है डायरेक्ट पहले इसमें जाता है, यहाँ से अच्छे से क्लीन होता है आ जाता है, यहाँ से भी अच्छे से क्लीन होता है, तीन कैंडल है इसमें। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये एक कंटेनर है जहाँ पानी स्टोर होता है, यहाँ पानी स्टोर होता है, और इसका एक लेवल है यहाँ पर, वहां लेवल तक अगर आप पानी यहाँ से आप निकालते हो, पानी यहाँ लेवल तक आ जाता है, तो फिर अपने आप ये पानी को पूरा फुल कर लेता है, टैंक हमेशा ये फुल रहता है ये वाला। तो अभी क्या हमें प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ से जो पानी आता है, मेन पानी जो आता है, उसका ना स्पीड बहुत मतलब स्लो हो गया था, बहुत ज्यादा बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था, इसमें स्टोर हो रहा था। अगर हम पानी यहाँ तक आ जा रहा है अगर, तो बहुत ही स्लोली स्लोली ये भरता था, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि क्योंकि पानी से ही सारा काम होना है, और ये अच्छे से पूरा फिल नहीं हो पाता था, तो इसके चलते हमें प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। तो हमने कैंट वालों को कॉल किया है, उन्होंने बोला ठीक है, हम अपने स्टाफ भेज रहे हैं, आदमी भेज रहे हैं, वो चेक करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों पानी का स्पीड जो है कम हो चुका है। ये वाटर प्यूरिफायर लिए हुए हमें करीब 3 साल हो चुके हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस प्रॉब्लम यही हुआ अभी जाके कुछ दिनों से, 1 वीक से हम लोग देख रहे थे कि पानी का स्पीड कम हो चुका है, कम हो गया है, और थोड़ा पानी ना गर्म भी होने लगा है, तो हमें डर लगा कि पानी इसमें गर्म कैसे हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए, इतने दिनों से तो नहीं हो रहा था, इसकी वजह से हम लोगों ने कॉल किया। और आप ये जो टैंक देख रहे हो ना, ये पूरा निकल जाता है, बाहर हो जाता है, ये पूरा ये यहाँ से ये पूरा ये टैंक बाहर हो जाता है। आपको जब भी क्लीन करनी हो, 2 दिन 4 दिन सप्ते दिन पे जितना भी, आप इसको निकाल कर पानी पहले पूरा निकाल दो, और उसके बाद इसको क्लीन करके फिर इसको लगा दो, स्विच ऑफ करके आप इसको पानी गिरा दो, और इसको फिर आप सफाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा वाटर प्यूरिफायर है हमारा। तो चलिए, बस वही प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने बुलाया है कैंट वाला को, तो वह बस अभी आ ही रहे होंगे, तो सर्विसिंग होगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो हम लोग ये, इसके पहले भी हमारे पास था एक्वागार्ड का था वाटर प्यूरिफायर, हमारे पास एक्वागार्ड का था, वो भी करीब 12 साल चला, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो 4 साल पहले हम लोगों ने चेंज किया, तो फिर ये लिया, तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए इसके सर्विसिंग देखते हैं क्या बोलते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दिया करो फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ फिर। तो यहाँ देखिए कैंट वाले भैया आ चुके हैं, वो वाटर प्यूरिफायर को देख रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, तो पता चलेगा कहाँ गड़बड़ है, पानी क्यों कम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 कैंडल है, 2 बड़ा 1 छोटा, तो पहले सबसे पहले सब कैंडल को वो साफ करते हैं अच्छे से। ये है जिसमें पानी स्टोर होता है टैंक, वो है निकाल के रख दिया है, डर नहीं रहता।
तो यहाँ देखिए पहले वाले कैंडल को जिस तरह से उन्होंने ऐसे एकदम ठुक ठुक करके अच्छे से सफाई करी, जिससे कि और एक तरफ पानी का प्रेशर डाल रहे थे जिससे कि जितनी भी उसमें अगर गंदगी हो, मिट्टी वगैरह सारा निकल जाए। तो ज़्यादा अभी गंदा नहीं था, ज़्यादा गंदा नहीं निकल रहा था। तो ये देखिए दूसरा वाला कैंडल भी है, तो एक तरफ से वो पानी का प्रेशर डालते हैं और उसके बाद ऐसे बजा बजा कर ठक ठक करके और सारा पानी निकालते हैं जिससे गंदगी वो भी निकल जाए। तो मैं पूछ रही थी भैया से, भैया ऐसे टूटने का डर नहीं रहता है? तो बोले कि नहीं, वैसा नहीं टूटता है। और अब ये छोटी वाली कैंडल है, ये देखिए इसको निकाला उन्होंने और अब इसकी सफाई करेंगे। तो सारी जो भी प्रॉब्लम थी ना, इसकी वजह से ही थी। नहीं आ रहा पानी ना, थोड़ा भी नहीं आ रहा। किधर से इधर डालो, इधर डालो। देखे ये कितना प्रेशर है, देखो। इधर देखो, इसी से गड़बड़ हो रहा है ना। पानी नहीं, दोनों साफ है। अच्छा, यही खाली है। तो ये जो यूएफ करके कैंडल है छोटी वाली, इसी से गड़बड़ हो रहा था। ये देखिए जब नया लगाए तो कितना प्रेशर में पानी आ रहा है, ये देखिए। तो भैया ने बताया यही गड़बड़ था, ये जाम हो चुका था तो इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से पानी थोड़ा गर्म भी हो रहा था। तो सिर्फ ये वाले छोटे वाले जो कैंडल है इसको उन्होंने चेंज किया, उसके बाद से पानी का प्रेशर एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम बढ़िया हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद से भैया ने साफ़ किया थोड़ा फिल्टर, और उसके बाद सारा जो भी था खोला था उन्होंने, सबको अच्छे से जो भी था उसका स्क्रू सब लगा कर अच्छे से सबको फिक्स कर दिए, और फिर बहुत अच्छे से फिर सफाई भी करी, क्योंकि ऊपर टंगा रहता है तो थोड़ा गंदगी भी हो जाती है किचन में है। तो अच्छे से उन्होंने पूरे क्लीनिंग करी अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा। सर्विसिंग इनका अच्छा सा किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पानी का टैंक लगा दिया, टांग दिया वहाँ पर, और उन्होंने बोला कि पानी भरने देना, दो तीन बार पानी आप चेंज कर देना, उसके बाद निकाल के टैंक को साफ़ करके आप इसको फिर छोड़ देना। तो मैंने वैसे ही किया, पानी एक बार भर जा रहा था, फिर उसको पूरा पानी खाली कर रही थी, दो तीन बार वैसे ही करी, फिर लास्ट में उसको टैंक को धो करके फाइनली मैं उसको वापस से लगा दी। तो अभी देखो पानी का स्पीड भी एकदम अच्छा हो गया, एकदम तेज़ आ रहा है पानी। तो इसी तरीके से दो तीन बार चेंज करके फिर मैं वापस से इसको लगा दी। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये कैंट का प्यूरीफायर का पूरी सर्विसिंग का वीडियो? आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।